Hello, hello, my talented community. How are you doing today? My name is Ted Mujib. As you know, I'm always working hard to stay out of trouble. My name is Ted Mujib. I'm from TDM TV Toronto. We always looking and searching for the talented people. You know that we are like a bridge between the talent and the community, and we are always looking for new talent. Today we have a very, very brilliant personality from India. He is one of the famous and best sitar player from India. He is from Delhi Gharana. Delhi Gharana. He is deep roots in the musical family. Sitaron pe jo karte hain sitar ka safar. Sitaron pe jo karte hain sitar ka safar hain hamare dost aur mehman aaj ke ustad Saeed Zafar. Saeed Zafar. Saeed Zafar. So let me introduce you to the one of the top versatile musical and melodious personality of India. He is a well-known sitar player. Everybody from India who has any interest in music must be knowing him. His name is Saeed Zafar. So let's talk to him, and please don't forget to subscribe our channel, and don't forget to share our channel also. Stay with us. Please keep watching our channel. This is your own TV channel, TDM TV Toronto. Thank you very much for watching and sharing and subscribing in advance. Thank you. Bye. Zafar sahab, kaise hai sahi Zafar sahab? Allah ka shukar hai, bahut acha hu. Aapki dua hai aur meri taraf se aap sabko bahut bahut adab. बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ. बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर, आप लोगों की बात सुनकर, और इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी. बेशक बेशक बेशक. तो सईद जफर साहब, आप माशाल्लाह आपका ताल्लुक जो है दिल्ली घराने से है, जो कि हमें मालूम है, और बहुत दुनिया भर में आपने नाम कमाया है अपना सितार प्लेइंग से. सितार आप, अच्छा मैं समझता हूँ कि आपके टॉप इंडियंस जो बजाने वाले जो सितार प्लेयर हैं उनमें से एक आप हैं, और बहुत बहुत काफ़ी नाम कमाया है आपने इंडिया में, और काफ़ी शोहरत आपने पाई है. तो आपकी जो ट्रेनिंग जो शुरू हुई थी वो कब और कैसे शुरू हुई आपकी, कुछ प्लीज़ इसके बारे में बताएं. भाई अगर मैं पार्टिकुलर कोई टाइम बताऊँ, मुझे याद नहीं मेरी तालीम कब शुरू हुई थी. अच्छा अच्छा. जब मैं 4 साल का था जी जी, तो तब मेरी पहली हिंदुस्तान में मैं पहली बार मेरठ में मेरा परफॉर्म हुआ था जी. और जी. मैं तब मैं बहुत छोटा होता था, सितार मुझसे बहुत बड़ा होता था. अच्छा. तो वो मेरे वालिद उस्ताद जफर अहमद साहब का सितार होता था, वेरी तो गुड. मैं उसको बजाया. अच्छा. तो बेसिकली हम दिल्ली घराने से ताल्लुक रखते हैं जी जी. तो जैसे कहते हैं ना कि मछली के बच्चों को तैरना कौन सिखाएगा. बेशक, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो, बिल्कुल सही. तो जाहिर है जब 24 घंटे म्यूजिक सुनते रहेंगे, एक तरीके से जो प्रॉपर तालीम मेरी शुरू तो तकरीबन 7 साल की उम्र से शुरू. 7 साल की उम्र से शुरू हुई. वेरी गुड. तो आपकी जो इनिशियल ट्रेनिंग जो करी आपके वालिद साहब ने करी. हाँ, इनिशियल ट्रेनिंग जो थी मेरी, मेरे वालिद उस्ताद जफर अहमद खान साहब, जो कि बहुत मशहूर सितार नवाज हिंदुस्तान के थे. अच्छा अच्छा. उनसे मैंने सितार सीखा. उसके साथ साथ मेरे नाना उस्ताद चानखा साहब, माशाल्लाह वेरी गुड, बहुत अच्छा. वो बहुत बड़े गायकार थे, उनसे मैंने गाना सीखा. वेरी गुड. तो ये जो सिलसिला चलता रहा, मतलब हमारे घर जो है पूरा एक म्यूजिशियन का एक गढ़ है. एक हवेली तो कोई शक नहीं है. वाह, दिल्ली घराने को तो जाते ही. भाई सही बात है, दिल्ली घराना तो गढ़ है. दिल्ली घराने में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए, उस्ताद चानखा साहब, उस्ताद बुंदू खान साहब, वो भी दिल्ली घराने के थे, और उस्ताद रमजान खान साहब, उस्ताद मोहम्मद खान साहब, उस्ताद जहूर अहमद खान, उस्ताद नसीर अहमद खान, उस्ताद इलाल अहमद खान. तो एक जमाने में बुंदू खान साहब तो पाकिस्तान चले गए थे, उस्ताद बुंदू खान साहब. तो जब हमने आँख खोल के देखा तो हमारा घर जो एक हवेली टाइप का था, उसमें सबके कमरे अलग अलग थे जी जी.
पहले जब सबके तो सभी लोग वो 4 बजे से उठ के रियाज करते थे, प्रैक्टिस करते थे सुबह 4 बजे से, सुबह 4 बजे से। वाह वाह। और ये सिलसिला 24 घंटे चलता था। अच्छा वाह वाह। 24 घंटे मतलब दिन भर ऐसे दुबई की तरह आवाज आती थी, कहीं से वायलिन की आ रही आवाज, कहीं से सितार की, कहीं से तबले की, कहीं से गाने की, कहीं ठंडी की। तो हमारे घराने में तालीम का तो ये है कि एक जो बच्चा जो घराने में पैदा हुआ है वो सबसे ही सीखेगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है, सही बोला आपने, सही सही। तो उस जमाने की कोई यादगार, कोई आपके जहन में नक्श हो गई हो कोई चीज, आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें? बहुत सारी यादगार है। अच्छा। बहुत सारी यादगार ये है कि हमारा स्कूल दोपहर का हुआ करता था। अच्छा जी। 1 बजे से 2 बजे से होता था। तो हम सुबह उठ के पहले अपने नाना के पास जाते थे 5 बजे। अच्छा। उनके सीने पे खड़े हो जाते थे, उनके हाथ पैर दबाते थे, कहते थे सरगम गाता रहे। अच्छा अच्छा। अब 6-7 साल का बच्चा था, रहेगा मा पा दा नी दा दा नी दा पा मा गा रे था, गा रहा है। जब वो कभी मना नहीं करते थे कि उतर जाओ ऊपर से, उनके हाथ पैर दबाते। और उसको और उस पे आपका गला चलता रहना चाहिए, फिजिक्स आपके गले से निकलता रहना चाहिए। वाह वाह वाह, सुभान सुभान। जब वो 7-8 बज जाते थे फिर हम उसके बाद में हम देखते थे ये सो गए हल्के से, क्योंकि वो रात भर किताबें लिखते थे, जागते थे। अच्छा अच्छा। उतर के वहां से अपने घर आ जाते थे अपने वालिद के पास। अच्छा, हमारे वाले स्टूडेंट भी आ जाते थे सबके सब 7 बजे सुबह 7। तो उनके साथ हमारा रियाज जो है वो 8-9 बजे तक चलता था। वाह वाह, वेरी गुड। उसके बाद में सामने हमारे घर के साथ कमरे के सामने जोर खान साहब का कमरा था। अच्छा अच्छा। फिर वहां जाके बैठ जाना सितार लेके 9 बजे। वाह वाह। वहां से नीचे उतर के जाते थे तो उस्ताद नसीर अहमद खान साहब रियाज करते होते थे रात 12 बजे तक। तो हर आदमी का अपना स्टाइल होता था सिखाने का, कोई जबरदस्ती सिखाता था, कोई प्यार से सिखाता था, कोई गुस्से से सिखाता था। और फिर अगर हर आदमी ये कहता था कि जो मैं कह रहा हूँ वही कर। अच्छा अच्छा, सही बात है। वाह वाह। तो ये यादें जो है मैं भूल नहीं पाता ऐसे आज के बाद, उनको ना तो वो सोबत मिली ना उस तरीके की तालीम। तो इनमें से कोई ऐसा सबक है जो आपको अभी तक याद आता है और आपको अभी तक उससे रहनुमाई मिलती हो, आप हमेशा उसे अप्लाई करते हो अपने प्रोफेशनल लाइफ में? हाँ, बहुत सबक है। अच्छा हाँ, तो शेयर करेंगे आप हमारे साथ? हो सकता है कि नए सीखने वालों को भी उससे कुछ रहनुमाई मिल जाए, उससे कुछ सबक मिल जाए। उस्ताद जो होता है वो उस्ताद ही होता है, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। मुझे आज तक याद है कि हमारे वालिद साहब और मैं और एक हमारे बहनोई साहब सईद खान भी सितार में आते, तो हमारा जामा मिल्लिया इस्लामिया में तीनों की बहुत ही जुगल बन गई। अच्छा। पापा बीच में बैठे हुए थे और उस जमाने तक मेरा पूरे मैं वेल नोन हो गया था, पूरे हिंदुस्तान में यूरोप तक घुमाया था, बजा के आ रहा था। पापा के साथ हम लोग बैठ गए, शायद पहली बार बैठे होंगे स्टेज, ऐसा लगा कि हमें कुछ नहीं आता, सब कुछ वही कर रहे। अच्छा वाह वाह। तो वो आज तक मैं वो सुर लगाने का अंदाज भूला ही नहीं। क्या बात है। इस तरह वो सुर उसको सितार को बजा रहे थे, इतना सुख में बजा रहे थे, हम दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे हम बिगिनर हैं और हम शुरू कर रहे हैं सीखना। वाह जी, वेरी गुड। एक किस्सा और है, नसीर खान साहब बहुत तैयार गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे। तो मेरी यहाँ आकाशवाणी दिल्ली रेडियो में रिकॉर्डिंग जो नेचुरल प्रोग्राम की थी, उसमें मैंने उनकी गाई हुई एक बंदिश बजाई जो कि बहुत फास्ट बजाई, बहुत फास्ट।
वेरी गुड, उनसे थोड़ा डेवड़ा या दुगना, तो ये तालीम की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने वो सुना मेरा प्रोग्राम और ये बुलाया कि मेरा कान मरोड़ के बोला कि तैयारी तो गधे पे भी आए थे वो इतना क्या था वो लव कि तैयारी गधे पे भी आ जाती है, सफाई लानी चाहिए। तो कान मरोड़ के पहली बार उन्होंने मेरा जिंदगी में कान मरोड़ा कि जो इसका एक मुकाम है उस मुकाम में गाना बजाना करो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये मैं दो जिक्र है, ये भूल नहीं पाता। वाह, तो अभी तक उस्ताद सईद जफर साहब आप कौन कौन से ममालिक जो है घूम चुके हैं आप अभी तक? मैं पूरा यूएसए घूम चुका हूँ। वेरी गुड। यूरोप में कहाँ कहाँ गए हैं? सब जगह, मतलब सब जगह। हमारा 3 महीने का प्रोग्राम था और कम से कम मैं उसके अंदर 70 जगह का बजा के अलग अलग। कभी कनाडा आना हुआ आपका? कनाडा की तरफ आना हुआ? कभी आपका कनाडा का विजिट हुआ? नहीं, कनाडा में मेरे दोस्त रहते हैं जो कि कुछ सितार बजाते हैं, तबला और गजल गाते हैं, उससे कई बार कहते हैं, लेकिन मैं वहाँ आया नहीं, कनाडा नहीं आ पा रहा क्योंकि मैं कुछ मसरूफ था। इस वजह से मैं इंशाल्लाह आऊँगा कनाडा और मैं पूरा फ्रांस भी होकर आया हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस। मतलब हर जगह, जर्मनी भी तकरीबन पूरा देखा हुआ है मेरा। इंशाल्लाह ताला। तो गोरे तो आपको आपका सितार सुनकर पागल हो गए होंगे मेरे ख्याल में। गोरे हम लोगों से ज्यादा समझते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो कल किसी को ऐसा समझा जाता है कि बहुत बड़ा बोझ है, लाइट ही सुनेंगे हम। अरे भाई तो इंशाल्लाह आपके आप जो आएंगे कनाडा, टीडीएम टीवी टोरंटो आपको इनवाइट करेगा 100%। बहुत जल्द आप यहाँ पर आकर हमारे जो कैनेडियन म्यूजिक लवर्स जो है उनके सामने आप यकीनन परफॉर्म करेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। हम बस आज से का स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं कि कब आप यहाँ पर आएंगे टोरंटो में आप परफॉर्म करेंगे। आपसे एक चीज़ और पूछनी थी कि सितार जो है इस पे आप अभी आप बता रहे थे कि आपको एक बंदिश सिखाई थी आपके वालिद साहब ने, तो क्या आप हमारे सामने वो परफॉर्म कर सकते हैं? बंदिश कौन सी बंदिश थी वो? देखिए मैं पहले तो एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब ने तो बहुत कुछ मुझे बंदिश सिखाई, लेकिन मैं जो जिस स्टाइल का सितार बजाता हूँ उस स्टाइल में मैं 3 लोगों को बहुत उनको उनसे एडमायर हूँ, उन्हें फॉलो करता हूँ। अच्छा अच्छा। सबसे पहले उस्ताद गुंजू खान साहब को बहुत मैं उनसे एडमायर हूँ, उनको मैं बजाता हूँ उनका स्टाइल और उनकी बजाय हुई बंदिश। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस्ताद गुंजू खान साहब जो कि इत्तेफाकन मेरे नाना भी हैं। हाँ, आपके तो, नाना भी हैं। तो सारंगी नवाज थे वो, तो उन्होंने सारंगी ईजाद भी करी थी, कोई इन्वेंट करी थी सारंगी, इस्तेमाल की थी। लेकिन एक मैं बहुत बड़ा सच बता रहा हूँ आपको। जी जी। उस जनरेशन से लेकर आज तक जिस जनरेशन के वो थे, कोई भी इंस्ट्रूमेंटली उस्ताद गुंजू खान साहब से बचा नहीं है। उनका स्टाइल जरूर बजाता है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट। वेरी गुड। और हिंदुस्तान में तकरीबन सारे सरंगी उनका स्टाइल एडॉप्ट करते हैं और बजाते हैं। और भाई वो तो हमारे घराने के थे, हम तो उनका स्टाइल बजाएंगे ही, हमारे तो खून। वेरी गुड, वेरी गुड। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज कुछ आप हमें कुछ अता करेंगे, कुछ हमारे हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं उस पहले सबसे पहले जिसको हम लोग दिल्ली में, हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में बजाते हैं, हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में गुंजू खानी स्टाइल की भैरवी। वाह जी वाह, वेरी गुड। ये स्टाइल उन्हीं का है, भैरवी का। देखिए वैसे भैरवी का टाइम जो लोग कहते हैं सुबह का होता है, लेकिन भैरवी जो है वो किसी भी टाइम पे बजा सकते हैं। वेरी गुड। और ये मैं जो भैरवी का अंदाज पेश कर रहा हूँ
ये उस्ताद बंदू खान साहब का है और उन्हीं को मैंने एडॉप्ट किया उनका लेकर। उसके अंदर थोड़ा सा मेरे पिताजी का भी आएगा, मेरा भी स्टाइल आएगा। वेरी गुड। तो उसमें नसीर खान साहब का भी आएगा, सबका आएगा। मैं तीन चार लोगों को मिला के मेरे सितार का स्टाइल ही वही है कि मैं वही। तो ये बंदिश हमने सबसे पहले सीखी और जब परफॉर्म करने लगे, अच्छा खासा नाम हो गया, तो फिर हमने एक स्टाइल बनाया अपना बजाने का, जिसमें हम लोग, मैं ख़ास तौर से तीन लोगों से बहुत एडमायर हूँ और उन्हें फॉलो करता हूँ और उनका स्टाइल बजाता हूँ। एक उस्ताद बंदू खान साहब जो कि आपके नाना थे, एक मेरे ताया उस्ताद नसीर अहमद खान साहब, एक मेरे वालिद उस्ताद ज़फ़र अहमद खान साहब जो सितार बजाते थे, एक मेरे दूसरे ताया उस्ताद ज़हूर अहमद खान जो वायलिन बजाते थे। तो मैंने अपना गाना बजाना जो है, अपना स्टाइल एक गुलदस्ता बना कर एक पेश किया है। अब मैं जो ये एक बंदिश सुना रहा हूँ, राग सुना रहा हूँ, राग भैरवी, ये भी सुबह का राग है। और आप इसको, वैसे लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में रात को भी इससे एंड करते हैं प्रोग्राम का 2:30 बजे। ये सदा सुहागन राग कहलाता है, इसको आप किसी भी टाइम पे इससे एंड कर सकते हैं या इससे शुरू कर सकते हैं। तो ये मैं आपको, वो मैंने अपने बचपने का स्टाइल सुनाया जो बचपन में हमने सीखा, ये वो सिखा मैं आपको सुना रहा हूँ जो मैं भैरवी में उस्ताद बंदू खान साहब को फॉलो करता हूँ और उस स्टाइल की भैरवी बजा रहा हूँ, जिसको हम लोग 12 सुरों की भैरवी बंदूखानी भैरवी कहते हैं। बंदूखानी भैरवी, हाँ, हम लोग बंदू, हाँ, बंदूखानी भैरवी कहते हैं और ये बजाते हैं। अक्सर लोग भैरवी में सात सुर लगाते हैं ये, लेकिन ये जो भैरवी उस्ताद बंदू खान साहब बजाते थे वो 12 सुरों की होती थी। उसमें दोनों रेखा, दोनों गंधार, दोनों मध्यम, दोनों देवा, दोनों निखात लगती है। तो ये बंदूखानी स्टाइल की भैरवी मैं थोड़ी सी आपके आपके नज़र करता हूँ, क्योंकि वो आपके नाना थे। और हम लोग इस ट्रेडिशन को बरकरार रखे हुए हैं
और उसको ज़्यादातर हम बजाते हैं और हमारे घर में सभी हम अपने बच्चों को भी उसी स्टाइल की बैंड भी सिखाते हैं। ये जो चीजें ये सरंगी की खास चीजें हैं जो मैं बजा रहा हूं। ये सितार में बजाना बहुत मुश्किल है, बो का काम। ये थोड़ा सा नमूना था उस बैंडी का, ये थोड़ा सा नमूना था उस बैंडी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है और बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको एक बात बता दूं, इस सब हमारा जो ये प्रोग्राम है पूरी दुनिया में लाखों हजारों लोग देख रहे हैं सर, और इसमें यकीनन बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो जो सितार सीख रहे हैं और सीखना चाहते हैं, उनको बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी मालूम हो रही होंगी, आपसे सीखने का मौका भी मिल रहा है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है कि इस सब हम आपसे बात कर रहे हैं और वो आपको इस वक्त इस प्रोग्राम में देख रहे हैं, आपको बजाते हुए देख रहे हैं, आपको परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो मैं ना तो उस्ताद सईद जफर खान साहब, आप माशाल्लाह एक इंडिया में एक नेशनल फिगर हैं, लोग जो हैं आपको, कुछ लोग तो मैं जानता हूँ कि आपको भगवान भी समझते हैं, देवता भी समझते हैं, आपको इतनी इज्जत दी है माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इंडिया में, और इंडिया की आवाम ने आपको, पूरी दुनिया में लोगों ने आपको इतनी इज्जत दी है और ये मकाम दिया है, तो आपकी माशाल्लाह अचीवमेंट्स भी होंगी लाइफ में, बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह भी मिले होंगे, तो उनके बारे में बताएंगे कौन कौन से अवार्ड मिले हैं आपको अभी तक? देखिए मुझे ये अवार्ड मिले हैं, संगीत रतन का अवार्ड मिला है, संगीत रतन, वेरी गुड माशाल्लाह, रतन का मिला है, संगीत सम्राट का मिला है, काफी अनेक हैं। इस संगीत सम्राट क्या मतलब, मास्टर, लाइक अ मास्टर ऑफ म्यूजिक, समथिंग लाइक दिस, मास्टर ऑफ म्यूजिक एवरीथिंग? या अच्छा, आपने कोई कंपोजिशंस वगैरह भी बनाई है कोई? हाँ बनाता रहते हैं हम, तो अपनी कंपोजिशन ज्यादातर बनाते हैं। अच्छा, और लेकिन क्या है कि मैं ट्रेडिशनल पुरानी चीजों को लेके ज्यादा पसंद करता हूँ, हमारे सब कुछ छोड़ गए हैं, इतना छोटा है कि
उनको ही अगर सीखना चाहे तो पूरी जिंदगी निकल जाए, कम पड़ जाएगी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो कोई ऐसी कंपोजिशन कोई आप हमारे सामने, हमारे नाज़रीन को, हमारे व्यूअर्स को कुछ सुनाना पसंद करेंगे, कोई जिससे जो है थोड़ा हमारा एक बहुत आप जो समझते हो बेहतर? कंपोजिशन सुनाता हूँ जो कि राग योग में, और ये इतने अगर सारे इंस्ट्रूमेंट होते तो बहुत अच्छा लगता है। ये हम सुनाते हैं कंपोजिशन एक लाइन किसी ने और एक किसी ने और एक किसी ने, और फिर जब सबकी सहमति होती है तब... लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आप माशाल्लाह जो भाई परफॉर्म कर रहे हैं तो आप यकीन करें इतना भराव है इस सब म्यूजिक में कि किसी और इंस्ट्रूमेंट की, तबले की, और उसकी जरूरत नहीं है। आप वन मैन शो कर रहे हैं, सोलो बजा रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। तो ये राग योग के ऊपर हमने इसको बनाया है कंपोजिशन को, और राग योग जो है वो रात का राग है, और बड़ा खूबसूरत राग है। बहुत जबरदस्त, जितना भी बजाया है आपने सुभान अल्लाह, मजा आ गया, बहुत जबरदस्त। अल्लाह ताला ने आपको भाई क्या टैलेंट अता किया है, जबरदस्त माशाल्लाह भाई, बहुत 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 ही जबरदस्त। सुन के कानों में जो है ऐसा लग रहा था जैसे जो है ना कोई आपके शहद उतर रहा है आपके कानों के अंदर। मोहब्बत है, प्यार है, बहुत है, बहुत जबरदस्त। तो उस्ताद सईद जफर खान साहब, आपसे पूछना था कि आप ट्यूशन वगैरह भी देते हैं, लोगों को सिखाते भी हैं, किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से भी आप उनसे आपका कुछ साथ हुआ हुआ है? मेरे घर पे बहुत सारे लोग आते हैं। जी जी, हमने चांद संगीत विद्यालय के नाम से ज्यादा खोल रखा है, स्कूल खोल रखा है, और उसके अंदर हम लोग गाने भी सिखाते हैं, सितार भी सिखाते हैं, हारमोनियम भी सिखाते हैं, तबला भी सिखाते हैं, और जितने हमारे शास्त्रीय संगीत के क्लासिकल वगैरह होते हैं। तो आपके शागिर्द तो पूरी दुनिया में सब होंगे, मेरे फैले हुए होंगे। हाँ, मेरे शागिर्द तो पूरी दुनिया में, मैं ऑनलाइन भी सिखाता हूँ ऑनलाइन। तो आपके कनाडा में भी कुछ है शागिर्द वगैरह जिन्हें आप सिखाते हैं, कनाडा अमेरिका में?
अपने कनाडा में मैंने अभी, क्योंकि मैं वहाँ उस तरफ इसलिए नहीं जाता क्योंकि मेरे दोस्त ऑलरेडी वहाँ रहते हैं, वो भी सितारी वगैरह का करते हैं। अगर आपसे कोई सीखना चाहे कनाडा में रहते हुए, तो आप क्या, आप सिखाने के लिए आगे आएंगे क्या? मैं जरूर सिखाऊंगा, ऑनलाइन सिखाऊंगा। अच्छी बात। और यहाँ के सीखना चाहे मेरे घर पे, वेलकम। वेरी गुड, माशाल्लाह, इंशाल्लाह कुछ ऐसा ही कुछ करेंगे। अच्छा, तो आप उस्ताद सईद साहब, आप माशाल्लाह जो है इंडिया में रहते हैं, जो कि इंडिया जो है वो इंटरटेनमेंट का गढ़ है, मतलब बॉलीवुड मूवीज़ जो है पूरी दुनिया में देखी जाती हैं, पूरी दुनिया में लोग जो है फैंस हैं बॉलीवुड मूवीज़ के। आपकी सबसे पसंदीदा मूवी कौन सी है बॉलीवुड की? मेरी पसंदीदा मूवी तो बहुत सारी हैं, मैं वैसे बहुत कम। अच्छा अच्छा, मेरी मनपसंद। अच्छा, लेकिन गाने बहुत सारे बहुत अच्छे लगते हैं, पुराने गाने अच्छे लगते हैं। वेरी गुड। तो कौन सी मूवी आपको अच्छी लगती है सबसे ज्यादा? सबसे अच्छी मूवी, क्योंकि मैंने अभी 20 साल से कोई फिल्म 30 साल से नहीं देखी। अच्छा, गाने तो सुनते रहते होंगे ना उनके जो गाने, लेकिन गाने में मुझे वो पुराने वाले याद है। अच्छा अच्छा, जैसे कश्मीर की कली का गाना है वो। दीवाना हुआ बादल, ऐसे ही कुछ बोले सावन या बादल, आई डोंट थिंक। जैसे एक गाना ये है, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। एक मेरा ख्याल है शायद मुगल आजम का गाना है। मोए पंगट पे नंदलाल छेड़ गया वो। अनेक गाने हैं बहुत सारे जो मुझे बहुत पसंद है। माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। इतनी याद ताजा हो गई पुराने गानों की ट्यून सुन के, और जिस तरीके से आपने परफॉर्म करा और उनको अदायगी करी है, रियली इट्स मार्वलस। एंड ये हमारे लिए वाकई अगेन हमारे चैनल के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी एक इस वक्त ब्लेसिंग है कि हम आपसे बात कर रहे हैं और आपको जो है अपने प्रोग्राम में सुन रहे हैं, और आपने टाइम निकाल कर हमारे प्रोग्राम में आए हुए हैं और हमें अपना टाइम दे रहे हैं। तो आप पाकिस्तान भी गए हैं? हाँ, दो बार गया हूँ पाकिस्तान। अच्छा, वहाँ भी मैंने वहाँ की फिल्मों में भी बजाया है। अच्छा अच्छा, और वहाँ काफी जो कमर्शियल काम है वहाँ काफी किया, वो सोलो भी बजाया है। वेरी गुड वेरी गुड। तो कोई पाकिस्तान से मुतालिक कोई याद आपके जहन में हो, कोई गाना जो आपने वहाँ पर किसी फिल्म के लिए बजाया हो, तो अगर हमारे नाज़रीन को, हमारे व्यूअर्स को अगर आप सुना सकें और शेयर कर सकें हमारे साथ? क्या बहुत सारे बजाए थे। अच्छा। और क्या है कि इतना काम करने को मिलता है, इतना लगातार हिंदुस्तान में भी करने को पड़ता है और सब जगह जाके, जहन में इस वक्त कुछ आ नहीं रहा, लेकिन मैं काफी बजाया काफी लोगों के साथ।
वेरी नाइस, गुड गुड। तो अभी आपको मालूम होगा पिछले दिनों एक बहुत जो है गमनाक सानिया हुआ, आपको मालूम है दिल्ली घराने में हमारे भाई जो है उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब हमसे जुदा हो गए। आपने भी अब ज़ाहिर है आपको मालूम ही होगा सिलसिले में कि बहुत ही सैड एक न्यूज़ थी, जिसकी वजह से अभी तक जो है हम लोग उसके एक एक ऐसा एक सानिया हुआ जिसका हमें बिल्कुल भी हम नहीं सोच रहे थे कभी ऐसा भी हो सकता है। मैं अभी तक नहीं समझा हूँ, बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि शायद मेरा ख्याल है कनाडा एक ऐसी जगह होगी जहाँ वो अकेले गए थे। हाँ, तो मेरा उनका जो साथ था वो बचपन से आज तक, बिल्कुल वो मुझसे 8 साल 6 साल तकरीबन 7 साल बड़े थे। अच्छा, कितनी मोहब्बत हम दोनों भाइयों में थी, बस हम समझ जाते थे कि ये क्या चाहते हैं एक दूसरे। वेरी गुड। आज तक मेरा जो लगाव है किसी से भी नहीं हो पाया, ना इतनी अंडरस्टैंडिंग ये जितनी उनके साथ के इकबाल साद इकबाल अहमद खान साहब से। बिल्कुल दुरुस्त। और मेरे तो वो हम दोनों क्या जोड़ी थे, बिल्कुल दुरुस्त। तो मफरत में उनकी मफरत करे तो जन्नतुल फिरदौस की जगह है। और वो तो एक भाई एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी थे हमारे घराने में, बिल्कुल दुरुस्त। उन्हें पता थी शायरी ले लो उनसे के बारे में बात कर लो, और क्या बताऊं इतना मिलनसार आदमी, बहुत जबरदस्त, मतलब रिश्तेदारी निभाने वाले आदमी थे। तो हम टूट गए, बिल्कुल दुरुस्त। अब लगता हम अकेले रह गए, पहले हम उनका सहारा थे वो हमारा सहारा, बिल्कुल दुरुस्त। नहीं, कुछ वक्त हमने भी गुजारे हैं कनाडा, वो जब वो आए थे यहाँ पर तो हमारे पास ठहरे थे, और बहुत सारी गोल्डन यादें जो हैं अभी तक हमारे दिमागों में बसी हुई हैं वो, और जितना भी टाइम गुजरा उनके साथ बहुत अच्छा गुजरा यहाँ पर कनाडा में। और आप यकीन करें जब उनका इंतकाल हुआ तो यहाँ से बहुत कॉलें आई मेरे पास उनसे, इकबाल अहमद खान साहब से, उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब की कंडोलेंस के लिए। तो मैं तो इतने उस खबर को सुनकर ही इतने शदीद धचके में आ गया था कि सही तरीके से बात भी नहीं कर सका था। तो खैर, वो बहुत यहाँ पर बहुत फैंस हैं उनका, बहुत फैंस फॉलोइंग है कनाडा में, टोरंटो में उनकी। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि अगर उनकी याद में कुछ आप परफॉर्म करना चाहें इकबाल अहमद खान साहब की, तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। प्लीज़ उनसे मुतालिक, उनकी याद में कोई ऐसी कोई चीज़ आप हमारे नाजरीन को, हमारे व्यूअर्स को जो है वो सुना सकें। आप मेरा और उनका साथ जो था बचपन से था, और हिंदुस्तान के तकरीबन शहरों में मैं वो साथ जाते थे। साथ जाते, वेरी गुड। अक्सर कलकत्ता, बम्बई, रांची, पुणे, हर जगह हम लोग साथ जाते थे। अच्छा, और मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। बिल्कुल, यार भी था मेरे बड़े भाई भी थे। बिल्कुल दुरुस्त, सही बात बोली। तो मैंने उनके साथ भी बहुत याद किया है। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। और अक्सर हम गाना बजाना साथ ही करते, हमारी कई रिकॉर्डिंग में पड़ी हुई है। तो उनको राग दरबारी वो जिस तरह गाते थे, मैं उस तरह ही बजा रहा हूँ। कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने बहुत रियाज किया है। Thank you.
असल में अभी उनके मरने से कुछ दिन पहले हमारे यहाँ हमारे घर पे मोहम्मद खान साहब का उर्स होता है सुई वालन में। तो मैं और वो इकट्ठे ही मैं बजा रहा था पहले, फिर मैं उनके साथ मैंने कहा अब ये इकबाल भाई पे एंड करेंगे हम। तो तब भी हम लोगों ने साथ में काम किया था, बजाया था, मतलब गाना बजाना। लोग बैठे होते हैं रात के, सुबह 4-5 बज जाते हैं। तो उससे पहले कुछ दिन पहले मैं ये दरबारी बजा रहा था, तो वो बहुत उनका फ़ोन आया रो के मेरे तरफ, मुझे फ़ोन करा कि तूने यार बुजुर्गों की याद दिला दी। वो मेरे फेवरेट थे, मैं उनका फेवरेट था। ये जो मैं देहवा जिस तरह लगा रहा हूँ, इस तरह की देहवा और गंधार सिर्फ दिल्ली घराने में ही इस्तेमाल होती है। बकौल बंदू खान साहब के दरबारी और भैरवी जब बजाओ तो ऐसा लगे कि आप भीख मांग रहे हो किसी से, अल्लाह से कुछ मांग रहा हो। हाँ, अल्लाह ताला से कुछ मांग रहा हो, भीख मांग रहा हो जैसे। अब मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी बजा सकता हूँ, दरबारी को ज्यादातर लोग बजाते हैं इस तरह बजाते हैं, लेकिन हमारे घराने में जैसे आप किसी से मांग रहे हो कुछ, आज ही थी यार, अब जज्बाती हो गया, बज नहीं रहा हूँ उसे। नहीं नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला मगफरत दे और उनके दर्जात बुलंद फरमाए उनके खान साहब के। वो एक इंस्टीट्यूट थे, इंस्टीट्यूट थे, अपनी जात में अंजुमन थे, बिल्कुल अंजुमन थे, और उनको अल्लाह मैंने क्या सलाहियतें बख्शी थी। बेशक, दुरुस्त कह रहे हैं, टोटली एग्री विद। उन जैसा दूसरा नहीं हो पर नहीं हो सकता, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त। खैर, अब हम जो है अपना प्रोग्राम जो है यहीं पर खत्म करेंगे। अब थोड़ा सा माहौल बदल गया है माहौल बदल गया है। बस जाते हुए आपसे जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि नए सीखने वालों के लिए कोई आप कोई डायरेक्शन देना चाहें, कोई आप नसीहत देना चाहें आप, तो प्लीज हमें बताइए। जो कि सितार सीखना चाह रहे हैं, जो सितार सीखना चाह रहे हैं या सीखते हैं, सीख रहे हैं जी, उनको मैं एक ही नसीहत दूंगा कि जो उस्ताद उनको समझ में आए उससे सीखें और उस पर यकीन रखें बेशक, और अपनी मेहनत करें, जो वो कहें वही करें, वही करें, अपनी ना चलाएं सही बात, क्योंकि आज के जमाने में क्या है कि हर स्टूडेंट चाहता है तो जल्दी जल्दी पढ़ो, लेकिन ये काम जो है क्लासिकल सीखना जल्दी का काम नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूम, बहुत टाइम चाहिए, बहुत दिल मारना पड़ता है। दुरुस्त कह रहे हो,
जज्बात मारने पड़ते हैं, हाथ दौड़ता है, आप दौड़ोगे आपको सीधा सीधा बहना, टिक 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 ऐसे। दुरुस्त कह रहे हैं बिल्कुल। तो जो उनके टीचर उनको सबक दे हैं, तालीम दे, उस पर रियाज करें और उसको समझे कि वो क्या बता रहा है, और सबसे अच्छी लगती बोलते हैं। वेरी नाइस, गुड, दुरुस्त फरमाया, बहुत पते की बात बोली आपने, बहुत मुनासिब। लोग भटक जाते हैं ये सोचते कि यार उस्ताद तो एक ही चीज में अटका है। अब हमने रात रात भर एक ही तान मारी बजाइए, रात रात भर, रात रात, वेरी गुड। हमारे अब्बा कह देते थे बस ये बजाना है पूरी रात। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अगर आपको तो अपना आपको खाना कमाना है तो तरह रियाज करना है, प्रोफेशन बनाना है। आप कहते हैं कि जो सीखना चाहते हैं वो सीरियसली लें इसे, प्रोफेशनल बजाय, क्योंकि आर्टिस्ट बहुत मुश्किल से बनता है, बहुत मुश्किल से बनता है। दुरुस्त फरमाया, बहुत गिफ्ट तो होती है सबको, सुर और ताल तो अल्लाह ताला ने सबको दिया है, हिंदी की सुर और ताल है, ताल है तो आपका दिल धड़क रहा है ताल में, दुरुस्त बोल रहे हो तो है सुर जिससे मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल। अब ये हो गए ना सुर। बिल्कुल दुरुस्त फरमाए आपने, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, और मैं समझ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी पूरी दुनिया में सब जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो आपकी बातें जो हैं अगर फॉलो करें तो यकीनन एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, बहुत नाम कमा सकते हैं, बहुत लेकिन मेहनत हर चीज़ के अंदर करना ज़रूरी है, मेहनत हर चीज़ चाहती है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाए। तो उस्ताद सईद जफर खान साहब, हम जो है अब यहाँ पर अपना प्रोग्राम ख़त्म करेंगे क्योंकि हमारा टाइम भी थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सेगमेंट आपसे ज़रूर करेंगे बहुत जल्द, और मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट जब हम दोबारा इंटरव्यू करें तो आपके पूरे तरंग बैंड के साथ जो है हम सबके साथ करें बैठ के, इंशाल्लाह। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस, एंड अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आने का, बहुत मेहरबानी आपका टाइम देने का। मैं अपने सारे व्यूअर्स की तरफ से, अपने जो भी सब हमारे देख रहे हैं उनकी तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और होप टू सी यू अगेन सर। और मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी वजह से मुझसे इतने सारे लोग जुड़ेंगे और उससे बातचीत मैंने की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सबको मैं सबको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मेरा बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।